हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए जो पी ब्लॉक के तहत है उसी में के कुछ नोट्स लेकर आए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, क्यों H2O तरल पदार्थ है, कहने का मतलब जल है, H2O जल है, परंतु H2S एक गैस है, क्यों, इसका रीजन बताइए। तो दोस्तों देखिए, H2O में जो होता है हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं, लेकिन H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए कहेंगे कि H2O तरल पदार्थ है चाहे जल है और H2S एक गैस है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है और H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं लगता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वर्ग 15 के तत्व को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है निकोजोन्स कहा जाता है। वर्ग 15 के तत्व को निकोजोन्स कहा जाता है, ठीक है ना। दोस्तों यहां पर है ना 16 होगा, ठीक है। वर्ग 16 के तत्व को क्या कहा जाता है, वर्ग 16 के, तो कैल्कोजोन कहा जाता है। वर्ग 16 के तत्व को कैल्कोजोन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ग 17 के तत्व को क्या कहा जाता है, वर्ग 17 के तत्व हैलोजन कहा जाता है, हैलोजन, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ग जो है 18 के तत्व को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको कहेंगे उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस या अक्रिय गैस कहेंगे, ठीक है ना। इनमें से देखिए इसके अंतर्गत या जीरो वर्ग के जो तत्व इन्हीं को कहा जाता है, 18 को ही कहा जाता है। इसमें आ जाता है निजी हीरे के आग का एक ट्रिक हम बता देंगे आगे चल के। हीलियम हो गया, ये सब जितने भी नोबेल गैस इसी के अंदर आता है, हीलियम, ठीक है। अगला जो है, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं। तो देखिए डी ब्लॉक जो है यहाँ पर डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं। तो डी ब्लॉक के जो है तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, संक्रमण तत्व, और एफ ब्लॉक के तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी को कहा जाता है संक्रमण और एफ को कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व, ठीक है। उम्मीद है कि याद हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा यहाँ पर, क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं, क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं। तो देखिए आंसर इसका देखिएगा, जब PCl5 को गर्म किया जाता है तब फास्फोरस ट्राई क्लोराइड बनता है और क्लोरीन गैस बनता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए PCl5 को हम गर्म कर रहे हैं, ये गर्म का है, तो हमें मिल गया क्या, फास्फेस ट्राई क्लोराइड और क्लोरीन मिल गया, ठीक है ना, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, क्या होता है जब PCl5 को भारी जल के साथ अभिक्रिया की जाती है। तो क्या होगा जब अभिक्रिया कराया जाएगा, तो देखिए जब PCl5 को भारी जल के साथ अभिक्रिया की जाती है तो फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड और ड्यूटेरियम क्लोराइड बनता है। दोस्तों कहने का अर्थ है, जो भारी जल का सूत्र होता है D2O, जब हम PCl5 के साथ अभिक्रिया कराएंगे ना तो हमें प्राप्त होगा फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड और ड्यूटेरियम ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों देखिए यहाँ पर, H3PO4 की क्षारकता क्या है। तो देखिए जो यहाँ पे समझाते हैं आपको, जो P है और इससे जोड़ दिए,
तो यहाँ पर हमारा एच ओ एच ओ एच ओ और कितना हो गया ऑक्सीजन, तीन गो हो गया, हाइड्रोजन तीन गो हो गया, और ए गो रह गया क्या, ओ रह गया, तो ओ ए गो रह गया, तो ये जो है ये क्षारकता कहलाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझिएगा एच थ्री पी ओ फोर अणु में तीन क्या है ओ एच समूह लगा है, अल्कोहल समूह लगा हुआ है, अतः इसकी जो है क्षारकता तीन है, तीन है कि नहीं, एक दो तीन है, इसकी क्षारकता तीन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्या होता है जब एच थ्री पी ओ फोर को गर्म करते हैं, क्या होगा, तो देखिए जब एच थ्री पी ओ फोर को, इसको कहा जाता है ऑर्थोफास्फोरस अम्ल, को गर्म करते हैं तो फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल और फास्फीन बनता है, जो कि यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर है दिखा दिया गया है सूत्र से, फास्फीन का सूत्र ये होता है, जब पीएच यानी आर्थरो जो है ऑर्थोफास्फोरस अम्ल को गर्म किया जाता है तो फास्फोरिक अम्ल और फास्फीन बनता है, ठीक है। दोस्तों अगर इस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा।